Hello students, welcome to Biology World. I am Priyanka Shoran. In the previous video, we have studied about spermatogenesis, that is the formation of sperm cell. जो human का male gamete है, उसकी formation क्या कहलाती है? Spermatogenesis. There is another process that is known as spermiogenesis, कि जब spermatids के अंदर physiological changes होंगे और उन physiological changes के बाद एक spermatid sperm में convert हो जाएगा, उस process को हम कहते हैं spermiogenesis. अब जो sperm cell का head है वो Sertoli cell में embedded रहता है, तो जब Sertoli cell से head release होगा उसे हम कहेंगे spermiation. अब spermatogenesis एक continue process है, after birth होता है, ठीक है, puberty age में होता है, mitosis और meiosis continue रहेंगी. लेकिन आज जो हम पढ़ेंगे वो है oogenesis, और oogenesis में before birth, ये जो oogenesis है before birth शुरू हो जाता है. And what is oogenesis? That is the formation of ovum, ootid or the egg or female gamete. तो जो oogenesis है वो birth से पहले ही शुरू हो जाता है. बर्थ से पहले मतलब जब एक इम्ब्रियो बनता है तो उस इम्ब्रियो में डेवलपमेंट शुरू होती है. उसी टाइम पे जो प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स हैं, क्या है, जो प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स हैं वो ओवरी में एंटर करेंगी. कब एंटर करेंगी? ड्यूरिंग अर्ली एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट. जब एक इम्ब्रियो की डेवलपमेंट हो रही है उसी टाइम पे क्या होगा, जो प्राइमरी जो क्या है प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स हैं वो ओवरी में एंटर कर जाएंगी. एंड नाउ दे आर नोन एज ऊगोनिया. क्या कहेंगे इनको? ऊगोनिया, जिनकी प्लोइडी होगी डिप्लोइड. क्या होंगी ये? डिप्लोइड होंगी. ये जो ऊगोनिया है इनमें माइटोसिस होगी, दैट इज द इक्वेशनल डिविजन. कब हो रहा है ये? बिफोर बर्थ. ये जो प्रोसेस है ये बिफोर बर्थ चल रहा है, ठीक है. तो ऊगोनिया है उसमें माइटोसिस होगी और बहुत सारी ऊगोनियाज बन जाएंगी. एक ओवरी में अराउंड 2 मिलियन ऊगोनिया प्रेजेंट रहती हैं. प्लोइडी क्या है? डिप्लोइड है. तो अब क्या हो रहा है? मल्टीप्लीकेशन हो रही है, नंबर इंक्रीज हो रहा है. सो दिस इज द मल्टीप्लीकेशन फेज. नाउ दिस ऊगोनिया विल इनलार्ज इन साइज. इसका साइज इंक्रीज हो जाएगा, ये ग्रो करेगा. ग्रो कर रहे तो कौन सी फेज है? ग्रोथ फेज. एंड नाउ दिस ऊगोनिया इज नोन एज प्राइमरी ऊसाइट. क्या बोलेंगे? प्राइमरी ऊसाइट. और ये डिप्लोइड होगा. क्या होगा? डिप्लोइड होगा. जैसे कि स्पर्मेटोजेनेसिस में पढ़ा था स्पर्मेटोगोनियम है, ठीक है. स्पर्मेटोगोनिया के अंदर क्या होगी? माइटोसिस हुई, बहुत सारे स्पर्मेटोगोनिया बने, साइज इंक्रीज हुआ, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बने. अब जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट था कौन सी डिवीजन उसमें होगी? यस, मियोसिस. तो वैसे ही यहाँ पर जो प्राइमरी ऊसाइट है वो भी इट विल अंडरगो द मियोटिक डिवीजन, दैट इज रिडक्शनल डिवीजन. लेकिन यहाँ पर एक बात नोटिस करनी है कि ये जो मियोसिस शुरू हुई है ये बर्थ से पहले है, ठीक है. जो मियोसिस शुरू हो गई है प्राइमरी ऊसाइट में, मियोसिस स्टार्ट हो गई है बर्थ से पहले. अब हमें पता है कि मियोसिस के दो टाइप्स हैं. या हम कहेंगे कि मियोसिस दो साइकल्स में होता है, मियोसिस वन, मियोसिस टू. मियोसिस टू माइटोसिस के इक्विवेलेंट होती है, ठीक है. मियोसिस वन का जो प्रोफेज वन है, प्रोफेज, देन मेटाफेज, देन एनाफेज, देन टीलोफेज, पीमेट इसको कहते हैं. तो ये जो प्रोफेज है इसमें भी क्या है? फर्दर डिविजन्स होती हैं, ठीक है. जैसे कि लैक्टोटिन, जाइगोटिन, पेकाइटिन, डिप्लोटिन एंड डाइकाइनेसिस. ये क्या है? दीज आर द 5 सब स्टेजेस ऑफ द प्रोफेज वन ऑफ मियोसिस. तो जो प्रोफेज वन है मियोसिस वन का वो बहुत क्या होता है? लॉन्ग, लार्जर, एक लॉन्गर पीरियड का होता है, ठीक है. तो अब इसमें क्या है? प्राइमरी ऊसाइट में मियोसिस शुरू हो चुकी है. मियोसिस शुरू तो हो जाएगी लेकिन प्रोफेज वन के डिप्लोटिन में, किस में? डिप्लोटिन में अरेस्ट हो जाएगी, हॉल्टेड हो जाएगी. प्राइमरी ऊसाइट के अंदर मियोसिस शुरू हो जाएगी लेकिन डिप्लोटिन ऑफ प्रोफेज वन ऑफ मियोसिस वन में जाके वो अरेस्ट हो जाएगी. अरेस्ट हो जाएगी का मतलब आगे फर्दर डिवीजन नहीं होगी.
इस टाइम पे ठीक है क्या होगा, बर्थ हो जाएगा। अब क्या होगा, बर्थ होगा, और ड्यूरिंग बर्थ या फिर आफ्टर बर्थ, प्यूबर्टी को रीच करने से पहले और बर्थ के टाइम पे ओवरी में अराउंड 2 लाख प्राइमरी ओसाइट्स प्रेजेंट रहते हैं, लेकिन अरेस्टेड रहते हैं कौन से स्टेज में, डिप्लोटिन ऑफ प्रोफेज वन ऑफ मियोसिस वन। अगर सिंपल क्वेश्चन आता है कि कौन सी जो मियोसिस वन है, मियोसिस टू है, मेटास जो क्या कहते हैं माइटोसिस है उसमें डिवीजन स्टॉप हो रखी है, तो आप सिंपल लिखोगे दैट इन द मियोसिस वन। अगर मियोसिस वन के पार्ट पूछ रहे हैं देन यू हैव टू राइट प्रोफेज वन, और अगर प्रोफेज वन के भी पार्ट पूछ रहे हैं तो आप लिखोगे किस में, डिप्लोटिन में। डिप्लोटिन में क्या हो जाते हैं, जो मियोटिक डिवीजन है, पहली जो साइकिल है वो स्टॉप हो जाएगी। नाउ द गर्ल विल रीच एट द एज ऑफ प्यूबर्टी। जो गर्ल है वो कौन सी एज में पहुंच जाएगी, प्यूबर्टी एज में पहुंच जाएगी, और उस टाइम पे अराउंड 60,000 to 80,000 प्राइमरी ओसाइट्स प्रेजेंट रहते हैं ओवरी में। बर्थ के टाइम पे कितने थे, 2 लाख, प्यूबर्टी तक कितने हुए, 60,000 to 80,000, कहाँ गए, डिजेनरेट हो गए। जो बाकी बचे हैं वो क्या हुआ, ये देखो 60,000 से 80,000 अप्रोक्स एक नंबर है वो बच गया, जो बर्थ हुआ उस टाइम पे थे 2 लाख, तो जो बच गए वो क्या हो गए, डिजेनरेट हो गए। ठीक है, जो डिफरेंस है वो डिजेनरेट हो गया। अभी प्यूबर्टी एज में आई, नाउ ड्यूरिंग ईच मेंस्ट्रुएशन, जो गर्ल है वो प्यूबर्टी की एज में पहुंची, और हर एक मेंस्ट्रुअल साइकिल पे जो प्राइमरी ओसाइट है वो क्या करेगा, अपनी फर्स्ट मियोटिक डिवीजन को कंप्लीट कर लेगा। हर किस पे, मेंस्ट्रुअल साइकिल पे, हर मंथ जो फीमेल है वो अपना प्राइमरी ओसाइट का फर्स्ट मियोटिक डिवीजन को कंप्लीट कर लेगा, और ये जो डिवीजन होगी वो अनइक्वल होगी। वो डिवीजन कैसी होगी, अनइक्वल होगी, और उसमें एक छोटा स्ट्रक्चर बनेगा दैट इज नोन एज द पोलर बॉडी, एंड द लार्ज स्ट्रक्चर इज नोन एज सेकेंडरी ओसाइट। जो प्राइमरी ओसाइट था, इस प्राइमरी ओसाइट की पहली मियोटिक डिवीजन कंप्लीट हो गई है, और कंप्लीट होने के बाद इसकी 2 डॉटर सेल बनी जो कि क्या थी, अनइक्वल थी। जो छोटी है वो पोलर बॉडी कहलाएगी, ये पोलर बॉडी डिजेनरेट हो जाती है, एंड दिस इज नोन एज द फर्स्ट पोलर बॉडी। फर्स्ट पोलर बॉडी कब बनी, आफ्टर फर्स्ट मियोसिस, आफ्टर मियोसिस वन। ठीक है, अब ये जो सेकेंडरी ओसाइट है ये क्या होगा, हैप्लोइड होगा। क्या होगा, इसकी अब जो प्लोइडी क्या होगी, हैप्लोइड होगी। क्यों, क्योंकि जो मियोटिक वन है वो रिडक्शनल होती है। रिडक्शनल मतलब अगर जो डिप्लोइड पेरेंट है, वैसे तो मियोसिस हमेशा ही डिप्लोइड पेरेंट्स में होती है, माइटोसिस दोनों में हो सकती है, हैप्लोइड डिप्लोइड, लेकिन मियोसिस सिर्फ किस में होती है, डिप्लोइड पेरेंट्स में। तो प्राइमरी ओसाइट क्या था, डिप्लोइड था। अब इसकी डॉटर सेल बनी वो कैसी होंगी, हैप्लोइड होगी, और उस स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे सेकेंडरी ओसाइट, जिसमें हाफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, हाफ सेट ऑफ क्रोमोसोम है, दैट इज व्हाई इट इज हैप्लोइड। नाउ द सेकेंडरी ओसाइट विल एंटर्स इनटू द मियोसिस सेकेंड। अब ये जो सेकेंडरी ओसाइट है ये कहाँ चला जाएगा, इसमें क्या होगा, मियोसिस टू शुरू हो जाएगी, विच इज इक्विवेलेंट टू द माइटोसिस, इसीलिए मियोसिस टू को इक्वेशनल डिवीजन भी कहते हैं। लेकिन यहाँ पर भी क्या होगा, प्रोफेज टू कंप्लीट हो जाएगी, लेकिन जो सेकेंडरी ओसाइट में मेटाफेज टू स्टेज आएगी उस टाइम पे जो डिवीजन है वो स्टॉप हो जाएगी। क्यों, क्योंकि इसको स्टिमुलस चाहिए, मियोसिस टू को कंप्लीट होने के लिए स्टिमुलस चाहिए, और वो स्टिमुलस कब मिलेगा, व्हेन द मेल गैमेट एंटर्स इनसाइड द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। ठीक है, तो अब जो सेकेंडरी ओसाइट है वो क्या होगा, मियोसिस टू शुरू हो जाएगी, लेकिन मेटाफेज टू में जाके वो डिवीजन स्टॉप हो जाएगी। उसी टाइम पे क्या होगा, ओव्यूलेशन होगा, दैट इज द रिलीज ऑफ द जो ग्राफियन फॉलिकल है वो ब्रेक डाउन हो जाएगा और सेकेंडरी ओसाइट को रिलीज कर देगा। ठीक है, सेकेंडरी ओसाइट को रिलीज कर देगा। नाउ जो सेकेंडरी ओसाइट है वो हॉल्टेड है, उसकी डिवीजन स्टॉप है मेटाफेज टू में। उसी टाइम पे अगर लेट्स सपोज
मेल गैमेट्स एंटर करते हैं, रिएक्शन होगा जो ना पैलेसुडा के साथ जो मेल का हेड है वो रिएक्ट करेगा और मियोसिस टू कंप्लीट हो जाएगी। कब होगी? अगर मेल गैमेट्स एंटर करते हैं तो, अदरवाइज क्या होगा? सेकेंडरी ओसाइट डीजनरेट हो जाएगा, सेकेंडरी ओसाइट डीजनरेट हो जाएगा। नाउ द मेल गैमेट एंटर्स, द मियोसिस टू विल गेट कंप्लीटेड, और ये भी कैसी होगी? अनइक्वल डिवीजन होगी, जिसमें सेकेंड पोलर बॉडी बनेगी। क्या बनेगी? सेकेंड पोलर बॉडी एंड द फीमेल गैमेट दैट इज ओटिड एंड और वी कैन से ओवम और वी कैन से एग, जो कैसा होगा? हैप्लोइड होगा, फ्यूजन हो जाएगी, फर्टिलाइजेशन हो जाएगी। ठीक है, तो ये क्या है? ओजेनेसिस। यहाँ पे जो क्वेश्चन आता है, और तो सब सेम है कि मल्टीप्लीकेशन हो रही है, ग्रोथ हो रही है, मैचुरेशन हो रही है, लेकिन जो मेन थिंग है, कहाँ पर सेल डिवीजन स्टॉप होती है? मियोसिस वन कहाँ स्टॉप हो रही है, मियोसिस टू कहाँ स्टॉप हो रही है, कौन सी स्टेज में स्टॉप हो रही है, ये जो पॉइंट्स हैं ये इम्पोर्टेंट हैं। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है कि अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुई तो, और ओवरी के अंदर क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, जो प्राइमरी फॉलिकल्स बना उसके स्ट्रक्चर में क्या चेंज होगा, क्योंकि बहुत सारे फॉलिकल्स हैं, उन बहुत सारे फॉलिकल्स में एक प्राइमरी फॉलिकल बनता है, उस प्राइमरी फॉलिकल के स्ट्रक्चर में क्या चेंज होगा, ठीक है, और बाहर क्या चेंज होगा, ओवरी के बाहर क्या चेंज होगा, ओवरी के अंदर क्या चेंज होगा, वो सारा सीक्वेंस हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुई, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होती है तो उस एग का क्या होगा और इंडोमेट्रियम का क्या होगा, दैट इज द मेंस्ट्रुअल साइकिल, और वी कैन कॉल इट मेंस्ट्रुएशन। सो दैट्स इट फॉर टुडे। इफ यू लाइक माय वीडियो देन प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।